पता है म्यूचुअल फंड से डर क्यों लगता है? जब भी वहाँ निवेश की बात आती है ना, तो ये समझ में ही नहीं आता कि इतने सारे फंड हैं, हजारों फंड, किस में निवेश करें, कैसे चुनेंगे। अगर ये समझ में आ जाए कि किस फंड में पैसे निवेश करने हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा वहाँ निवेश करना, और ठीक ठाक रकम एक अच्छे समय में 8-10-15 साल में आपके पास जमा हो जाएगी। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। उसके पहले ये बात समझिए, कुछ दिनों पहले हमें अपने लिए टिकट बुक करना था, तो उसके लिए क्या क्या काम होता है। पहले हमें तय करना होता है, कॉल लेना होता है कि हमें जाना है एक्स वाई जी जगह जाना है हमें, ठीक है। उसके बाद होता है कि कब जाना है, कितने बजे वहाँ पहुँचना है, किस तारीख को जाना है, कहाँ जाना है, किस तारीख को जाना है, कितने बजे पहुँचना है, वहाँ जाने के क्या क्या विकल्प हैं मेरे पास, ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है, मेरे टाइम के हिसाब से जो कन्वीनियंट होगा वो क्या क्या ऑप्शन है। अगर फ़्लाइट में मान लीजिए कि क्या सुबह की फ़्लाइट, अगर मुझे सुबह पहुँचना है, सुबह की फ़्लाइट है कि नहीं है, मेरे बजट के हिसाब से फ़्लाइट या ऑप्शंस हैं कि नहीं है, वो सब देखने के बाद एंड में हम जो हमें सूट करता है, जो मेरी ज़रूरत को पूरी करेगा, हम वो वाला ऑप्शन लेकर आगे बढ़ेंगे। अमूमन यही चीज़ हम बाकी सब जगह भी करते हैं, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो, किसी से मिलने का प्लान बना रहे हो, आप यही काम वहाँ पर भी करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब निवेश की बात आती है ना या पैसे संभालने की, वहाँ पर हम थोड़े थोड़े ना इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वहाँ पर इसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी, यहाँ बाकी हर जगह की तरह यहाँ पर भी ज़रूरी है कि आपको अपना लक्ष्य पता हो। मुझे पुणे पहुँचना है 1 तारीख को, मालूम है मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे निवेश के लिए लक्ष्य तय करना है। वो लक्ष्य क्या हो सकता है कि मुझे आज से 10 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है, मुझे 20 साल के बाद रिटायर होना है, मुझे शादी करनी है 6 साल के बाद। इतना ये क्लैरिटी आ गई। अब कितने पैसे की ज़रूरत होगी गाड़ी खरीदने के लिए, रिटायरमेंट के लिए या फिर शादी के लिए, मुझे कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही आपको समझ में आ गया कि आपको इतने साल में, 10 साल में गाड़ी खरीदने के लिए 15 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, तो आपका लक्ष्य क्लियर हो गया, है ना। सिर्फ लक्ष्य बना लिया और समय सीमा तय नहीं की। मैंने कहा कि मुझे गाड़ी खरीदनी है बस 15 लाख की, कब पता नहीं, तो ये फिर आपका लक्ष्य नहीं है, ये आपकी डे ड्रीमिंग है, सपना देख रहे हैं बैठे बैठे। तो इसलिए निवेश करने से पहले तय कर लें कितना वक्त है आपके पास, कितने वक्त में कितने पैसे की ज़रूरत होगी, और उसके बाद ये 2 कदम आपके हो जाएंगे। तो तीसरा स्टेप क्या होता है कि आप ये फिगर आउट करें कि आप उस लक्ष्य को पाने के लिए कितना पैसा निवेश करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप हर महीने 2000 कर सकते हैं, हो सकता है 10,000 कर सकते हैं, तो आप वो कैलकुलेट करें। तो अभी तक की 3 ज़रूरी चीज़ क्या हो गई म्यूचुअल फंड चुनने के लिए, आपको अपना लक्ष्य मालूम होना चाहिए, समय सीमा मालूम होनी चाहिए और निवेश की रकम, ये 3 चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे अब मान लीजिए कि आपने कहा कि आपको 10 साल के बाद 20 लाख रुपए चाहिए और आप हर महीने 10,000 रुपए निवेश कर सकते हैं, तो आपको आपका जो निवेश है करीब 10% की कमाई आपको करके देगा, तो आप ये टारगेट पूरा कर लेंगे। तो क्या ये टारगेट म्यूचुअल फंड में पूरा हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। तो कौन सा फंड? यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो है रिस्क। 20 लाख रुपए आपको 10 साल में चाहिए, एक लक्ष्य ये हो सकता है, एक लक्ष्य ये भी हो सकता है कि आपको वही रकम 8 साल में चाहिए या 6 साल में चाहिए, और आपकी जो निवेश करने की रकम है ना, वो मान लीजिए कि 5,000 ही है दोनों में। तो दोनों ही लक्ष्य आपके पूरे हो सकते हैं,
लेकिन जो लक्ष्य 10 साल में पूरा होगा वहाँ रिस्क थोड़ा कम रहेगा, जो लक्ष्य 8 साल या 6 साल में पूरा होगा वहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो रिस्क के बेसिस पे म्यूचुअल फंड में 3 ब्रॉड कैटेगरी होती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और बैलेंस्ड या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो शेयर बाज़ार में होता है, रिस्क ज़्यादा होता है यहाँ पे, लेकिन लक्ष्य पूरा करने के लिए जो समय सीमा होती है वो यहाँ पर कम होती है। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है और आपको समय जो मिलता है लक्ष्य तक पहुँचने का वो थोड़ा ज़्यादा होता है। डेट फंड में इक्विटी और बैलेंस्ड के मुकाबले रिस्क काफ़ी कम होता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचने का समय जो होगा वो आपका काफ़ी बढ़ भी जाएगा। तो देखा है आपने अब तक कि लक्ष्य, समय सीमा और बचत करने की ताकत का इस्तेमाल करके आप, और रिस्क का इस्तेमाल करके कैसे आप एटलीस्ट एक कैटेगरी चुन सकते हैं अपने लिए। लेकिन इस कैटेगरी के आगे भी और सब कैटेगरीज हैं। इक्विटी फंड के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, डेट फंड के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। उनके बारे में, उनकी जो ताकत हैं, कमज़ोरियाँ हैं, प्रोज कॉन्स जो होते हैं वो आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक आप, अगर अभी तक आपने अपना लक्ष्य तय नहीं किया है, समय सीमा नहीं तय की है, तो वो काम कीजिए, एक कैटेगरी तक पहुँचिए, फिर आगे का सफ़र हम अगले एपिसोड में तय करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना बी वेल्दी, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और वो बेल जो बना हुआ है, घंटी, उसको भी दबाइए। और अगर कोई क्वेश्चन भी है आपके दिमाग में तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखिए या फिर ईमेल कीजिए या फिर बी वेल्दी के फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पर अपना सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं अमीर बनने के सफ़र पर।